रैशनल मेल मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रेड पिल बेस्ड बुक है, जो कि आपको एज अ मैस्कुलिन मैन फीमेल जेंडर से कैसे बात करें, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में कैसे बढ़े एंड बेसिकली एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग सिखाती है। हेयर आर द 10 बेस्ट लॉज फ्रॉम दैट बुक, जो कि मेरे को पर्सनली काफी इफेक्ट किए थे। देयर इज नो वन इट्स। वन इट्स का बेसिकली मतलब होता है सिर्फ एक, वो जो हमें पिक्चरों में दिखाया जाता है, वो जो हम बचपन से सुनते आते हैं कि तेरे लिए एक बना है या एक बनी है। फॉर अ सेकेंड लेट अस जस्ट अज्यूम कि सच में ही एक होता है एंड हम पेयर बॉन्डिंग होकर ही आते हैं, मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ ही हम एक लड़का और एक लड़की का पेयर बनकर ही आता है। लेट अस जस्ट बिलीव दैट फॉर अ सेकंड। पर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हम एज अ ह्यूमन कैसे पता लगाएं कि मेरा जो पेयर बनकर आया है भगवान के थ्रू वो उसी लड़की के साथ आया है जो कि मुझे लग रही है। हो सकता है मे बी मैं 10 ब्रेकअप से गुजरूं, उसके बाद जाकर मुझको वो लड़की मिले जिसके साथ मेरा पेयर बन के आया है, जो कि मेरे लिए बनी है, जो कि द वन है। एंड लेट अस बी ऑनेस्ट, अगर तुम ये वाली थिंकिंग रखते हो ना तो तुम्हारे पास एक अबंडेंस होती है, तुम्हारे पास खुला हुआ होता है। लेट अस जस्ट से कल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ जाए तो तुम्हें ज्यादा हर्ट कब होगा? जब तुम ये विश्वास करते थे कि मेरे लिए सिर्फ एक ही और वो एक मिल चुका है, या फिर तब जब तुम सोचोगे कि मेरी लाइफ में मे बी ये हो मे बी ना हो? तुम्हें किस में ज्यादा दुख होगा? ऑब्वियसली उसमें होगा जिसमें तुमने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी और इमेजिन करके रखा था कि ये ही मेरे लिए भगवान ने भेजा एंड ये ही द वन है मेरे लिए। इसलिए इट इज बेटर कि तुम इस कंसेप्ट पर ही विश्वास ना करो। डोंट नीड हर और डोंट नीड हिम। रोलो टोमासी जिसने ये बुक लिखी है उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप में ज्यादा पावर उसके पास होगी जिसे कम फर्क पड़ता है रिलेशनशिप से, जिसको कम जरूरत है दूसरे की, उसके पास ज्यादा पावर होगी। लेट अस जस्ट से तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम्हें घूमने जाना है कहीं पर और मेरा ऐसा है कि चला जाऊंगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाऊंगा। बेसिकली आई डोंट नीड यू एज मच एज यू नीड मी। तो अब तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा मेरे को मनाने के लिए, ना कि मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। दिस प्रूव्स कि एक रिलेशनशिप में तुम जितना कम नीड रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास पावर होगी रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप की बात नहीं है, कोई भी फ्रेंडशिप हो, किसी भी फॉर्म का रिलेशनशिप हो, जिसमें जिसको कम नीड होगी उसके पास पावर ज्यादा होगी। डोंट जस्ट बी योरसेल्फ, ग्रो अप। जस्ट बी योर सेल्फ इज वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइस, क्योंकि उस एडवाइस का मतलब ये हुआ कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, अदरवाइज तुम क्यों जस्ट बी योर सेल्फ होगे? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि संसार का नियम ही परिवर्तन है। अगर तुम उस चलते हुए परिवर्तन की तरह खुद को नहीं बदलोगे तो तुम्हारा हाल दादा और दादी जैसा हो जाएगा, जिन्होंने आने वाली टेक्नोलॉजी को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आज उनसे एक फोन ऑन ऑफ तक नहीं हो पाता है। अगर तुम इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लेते हो, इवन देयर यू हैव टू मेक श्योर कि तुम एक जगह स्टैग्नेंट ना हो जाओ, तुम्हें जस्ट बी योरसेल्फ नहीं रहना है। कैसी नाइस्टैट ने इस पर एक बहुत अच्छी प्यारी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। आई थिंक इस वीडियो से तुम्हें क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जस्ट बी योरसेल्फ। प्लेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी का मतलब है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखनी है। अब इसको दो तरीकों से तुम देख सकते हो, एक तो वो प्लेबॉय वाला लाइफस्टाइल हो गया, सेकंड लाइफस्टाइल ये हुआ कि तुम्हें एटलीस्ट लाइफ में एक बार गंदा वाला हार्ट ब्रेक तो एक्सपीरियंस करना ही है, ताकि तुम्हारे दिमाग से वो वाली इमेज चली जाए कि एक सुंदर लड़की कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। एक बार वो हो जाएगा तो ट्रस्ट मी हार्ट ब्रेक के बाद तुम एक डिफरेंट मैन बनकर निकलते हो। इसलिए यू नीड टू एक्सपीरियंस ब्रेकअप बिफोर गेटिंग इन अ सीरियस रिलेशनशिप। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी पड़ी है, यहाँ पर दबाकर देख लो। मैन और वुमेन डिफरेंट वे में एज करते हैं। मैंने लाइन कई बार कही है कि वुमेन जो है वुमेन बनकर ही पैदा होती है, वेयर एज मैन जो है उसको मैन बनना पड़ता है, उसको समय मैन खुद बनाता है। वुमेन विद एज वुमेनहुड लूज करती जाती है, वेयर एज मैन विद एज मैनहुड गेन करता जाता है। वुमेन यूजली 35 से 36 ईयर के बाद अपनी पूरी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू जो है वो खो देती है, whereas man 36 से 40 के बीच में apparently अगर अमीर रहे तो अपने पीक प्राइम पर होता है। अगर तुम लियोनार्डो डिकैप्रियो वगैरह किसी को भी देखोगे तो जितने भी टॉप 20% मेल हैं और खुद को मेंटेन रखते हैं पैसे वाइज लुक्स वाइज किसी भी एक वाइज में, तो वो इवन एट द एज ऑफ 40 to 36 20 ईयर ओल्ड से मैरिज कर सकते हैं, 30 ईयर ओल्ड से मैरिज कर सकते हैं। रणबीर कपूर आलिया भट्ट एक गुड एग्जाम्पल है इस चीज का, सैफ अली खान करीना कपूर भी एक गुड एग्जाम्पल है इस चीज का। एंड ये चीज मेरे को बच्चों ने पता नहीं थी और मैं इस चीज से बड़ा गिल्ट फील करता था। जब मैं 8th 9th में था तो मेरी क्लास की जितनी भी क्लासमेट्स थी लड़कियां, उन सबको सीनियर लड़के अप्रोच करते थे, प्रपोज करते थे, वो हाँ करती थी। वेरस मैं लड़का जो था और बाकी लड़के जो थे मेरी क्लास में 8th 9th में, वो सब चोमू थे, तेल चुट रहा होता था, कुछ चुट रहा होता था। वेरस जो लड़कियां थी वो सडनली वुमेन बन गई और लड़के बॉयज के बॉयज बच्चे ही रह गए, और लड़कियां रैंडमली इतना ग्रो अप हो गई फिजिकली भी मेंटली भी, और रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, ब्रेकअप्स कर रही हैं। वेरस लड़का जो है वो मम्मी से डांट खाकर आ रहा है और शर्मा रहा है लड़कियों से बात करने में। बट विद एज Things will fall into place. So, अगर तुम अभी एक टीनेजर हो तो डोंट वरी कि इस वक्त तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हारी कोई केयर नहीं करता। विद एज तुम्हारी वैल्यू मार्केट में बढ़ती जाएगी, तुम्हें ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं दिखानी है। अगर मैं तुमसे 24 के 24 घंटे बात कर रहा हूँ तो तुम मेरे से पक जाओगे, मेरी वैल्यू तुम्हारी नजरों में नहीं रहेगी। वेयर एज
अगर मैं दिन में एक 5-10 मिनट की वीडियो डालकर सिर्फ बात कर रहा हूँ, या लेटर जिससे मंथ में एक बिल्कुल हाई क्वालिटी क्रिएटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हैव यू सीन अवतार मूवी? 11-12 साल लगाकर बनी। मूवी लॉन्च होने से पहले इतनी ज्यादा हाइप में बैठी थी कि इतना समय लगा बनाने में। ऐसा क्या है? दिस शोज की ह्यूमन नेचुरली ही उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो कम अवेलेबल हो। तब यहाँ पर भी तुम दो चीजें कर सकते हो, या तुम एक्टिंग करो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, और जानबूझ के फोन फेंक कर वेब सीरीज देखो, या तुम जेन्युइनली एक हाई वैल्यू मेल की तरह अपने काम पर फोकस करो, वर्क पर फोकस करो, तुम ऑटोमेटिकली कम अवेलेबल हो जाओगे। द लेस अवेलेबल यू आर, द मोर योर वर्थ इज द कंसेप्ट ऑफ द अल्फा बुधा। द अल्फा बुधा का सिंपली मतलब ये है कि आप में लॉर्ड बुधा जैसी डिटैचमेंट हो हर चीज से, पर लेकिन आप एक डेंजरस मैन हो जो कि कैपेबल हो वायलेंस करने के। अगर इसको और सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ना ही नाइस गाय बनना है, ना ही बैड बॉय बनना है, तुम्हें गुड मैन बनना है। गुड मैन कौन है? मे बी तुम्हारे पापा होंगे। वो गुड मैन क्यों है? वो इसलिए गुड मैन है क्योंकि वो लोगों की मदद करते होंगे, कोई गरीब आता होगा पैसे दे देते होंगे, लोगों से अच्छा बिहेवियर बना के रखते होंगे। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने लगा है, तुम्हारी मम्मी कोई छेड़ रहा है, तो वो अचानक से हथियार भी उठा सकते हैं, तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। वो होगा एक गुड गाय जो कि रेडी है टू क्रिएट वॉयलेंस इफ नेसेसरी। साथ में ही वो एक गुड मैन भी है, साथ में वो डिटैच्ड भी है चीजों से, पर एट द सेम टाइम वो एक मॉन्क नहीं है। यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ गाय जो कि एक अल्फा बुद्ध है या फिर एक गुड गाय है, ना कि नाइस गाय या बैड बॉय। यू शुड स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स वुमेन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पीपल को चेंज करने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है, उससे बेटर है तुम नए पीपल ढूंढ लो। तुम्हें खुद को फिक्स करना चाहिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में समय और एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। इसका क्लासिक एग्जांपल हो सकता है बेस्ट फ्रेंड सिंड्रोम, जिसमें एक लड़की का टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होता है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड उसको गाइड करता रहता है तू कैसे बेटर बने, इस उम्मीद में कि कल को वो उसके साथ संभोग कर लेगी। अगर तुम वैसा कुछ कर रहे हो तो तुम्हें वो इंस्टेंटली स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वो कभी फिक्स होने वाली है नहीं। एंड अगर तुम उसे फिक्स कर भी लेते हो, इट इज नॉट वर्थ इट, उतनी देर में तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। जिस तरह एक मर्द एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे को औरत प्यार करेगी, वैसा वो कभी भी नहीं कर सकती। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि हर एक मर्द के दिमाग में प्यार का मतलब अपनी मदर से आया होता है, उस तरह का अनकंडीशनल लव। बट दैट इज सिंपली नॉट द केस। अ वुमन कैन नेवर लव यू लाइक योर ओन मदर। एक औरत सिर्फ अनकंडीशनल लव अपने बच्चे को कर सकती है, वो तुम्हें कभी भी नहीं करेगी। ना ही तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे पापा को किया है, ना ही तुम्हारी होने वाली वाइफ तुम्हें अनकंडीशनल लव करेगी। तुम्हारी होने वाली वाइफ तुम्हारे सिर्फ बच्चों को अनकंडीशनल लव कर सकती है। अब यहाँ पर बैंडविड्थ वाला काम होता है। तेरा डिफरेंट काइंड ऑफ वुमन, हर वुमन का दिमाग अलग होता है। हो सकता है कोई लड़की थोड़े से तुम पैसों में कम हुए या थोड़ी सी गाली गलौज कर दी तो तुम्हें छोड़ दे, वेरस किसी की बैंडविड्थ इतनी बड़ी हो सकती है कि जब तक तुम उसे मारपीट ना कर दो वो तुम्हारे साथ रहे। पर लेकिन तुम्हारी मदर की तरह किसी की बैंडविड्थ नहीं होगी जो कि इनफिनाइट है। तुम कुछ भी कर दो, शी विल स्टे विद यू, शी विल लव यू नो मैटर हु यू आर। क्योंकि जो वुमेन है शी डिजाइंड दिस वे कि वो सिर्फ अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव कर सकती है। दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया बना है वुमेन लव को लेकर, एक मदर लव वाला, वो कभी भी नहीं रियल लाइफ में अप्लाई होगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना खिला देगी एंड बदले में कोई कॉम्प्लीमेंट तक नहीं मांगेगी, वेरस तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ ने अगर तुम्हें खाना खिलाया तो उसको अटेंशन वैलिडेशन भी चाहिए, उसको अच्छी बातें सुनना भी जरूरी है कि खाना कैसा बना, क्योंकि शी इज नॉट योर मदर। एंड यहाँ मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सारी डिफरेंट चीजों पर अप्लाई होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई डेफिनेटली टेल कर देना कमेंट सेक्शन में, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर आपको मेरे से डिस्कॉर्ड पे 1-on-1 कॉल करनी है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना। मेक श्योर मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो।